हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट 2023 टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक एवरेज. वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज इन दिस क्लास. ओके, एवरेज इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हर बार एग्जाम के अंदर आप वन और टू क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देख सकते हो. वन क्वेश्चन तो बेटा पक्का है कि एक क्वेश्चन तो एवरेज में से आएगा ही आएगा. ओके, तो अभी आज के क्लास के अंदर एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, उससे पहले मैं आप लोगों का बेटा एक मिनट लूंगी. अभिमन्यु आईएएस इंट्रोड्यूस्ड ए कंप्लीट लाइव कोर्स फॉर सीसेट फॉर यू एंड दैट कोर्स हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 20th June 2022. 20 जून से कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर आपको 100+ लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं. बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हर एक टॉपिक को. जैसे फॉर एग्जांपल अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, तो नंबर सिस्टम के अंदर बेटा आप ये कहिए कि बिल्कुल नंबर से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ जी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वहां से स्टार्ट किया है. और जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जैसे सी सेट के हम फोकस करें तो सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो सभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इन दिस कोर्स. ओके, तो क्या क्या मिल रहा है आपको? 100+ लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इसके अंदर आपका, और साथ में ही हर एक लेक्चर के वेब नोट्स अटैच्ड हैं. वेब नोट्स मीन्स कि हर एक लेक्चर के साथ में नोट्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक के. दूसरा, इस हर एक लेक्चर के साथ में आपको मिलेगी एक पीडीएफ, क्लास पीडीएफ. जो क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स कराए जा रहे हैं, क्लास पीडीएफ विल बी अवेलेबल विद ईच लेक्चर अलोंग विद यू विल गेट ए क्विज. ओके, आपके पास में आप ये कह सकते हो कि यू विल गेट ए माइक्रो टेस्ट. ठीक है, क्विज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो टेस्ट. यू विल गेट 15-20 क्वेश्चन विद ईच लेक्चर. सो दैट कि जो आपने क्लास के अंदर आज सीखा है वो पर्टिकुलर आप अपने टेस्ट के अंदर देखें कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है. ओके, इसके लिए अभी हम आपको फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, 3 डेज का. 3 डेज फ्री ट्रायल इज अवेलेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रायल ज्वाइन करना है. ट्रायल तो सभी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. 3 डेज का ट्रायल है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं, क्या लेवल है पढ़ाने का, क्या आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का, हर एक टीचर का एक अपना वे है. तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले 3 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए. 3 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए. इफ यू गेट सेटिस्फाइड इन दैट केस ज्वाइन द कोर्स. ओके, तो अभी बेटा देर ना करो, अभी टाइम है आपके पास में, क्योंकि सी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस जर्नी. अगर आप कहते हो कि मैंने यूपीएससी जो है मैंने क्वालिफाई करना है, तो इन दैट केस यूपीएससी क्रैक करने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपका सी सेट. बिकॉज अगर आपका सी सेट ही क्वालिफाई नहीं होगा, देन आगे के स्टेप पे आप नहीं पहुंच पाओगे. सो इट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर जर्नी. सभी ने सी सेट को ज्वाइन करना है. फ्री ट्रायल आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेते, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है, देखिए, द क्वेश्चन इज द एवरेज वेट. The average weight of a class of 15 boys and 10 girls is 38.4 kg है किनका? यहाँ पे बेटा 15 boys हैं आपके पास और 10 girls हैं. That means the average of 25 students is equal to 38.4 kg. Okay? अब आपके पास में एवरेज गिवन है. एवरेज यहां पे गिवन है 38.4 kg. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास कितने हैं? 25. अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन पता है, साथ में एवरेज पता है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द टोटल. ओके, तो यहां पे आपके पास में टोटल वेट आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि आगे है क्या. तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 40 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स. तो अब अगर हम टोटल वेट के अंदर से बॉयज के वेट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गर्ल्स का वेट आ जाएगा. और अगर हमारे पास गर्ल्स का वेट है, इन दैट केस वी कैन इजीली फाइंड आउट द एवरेज.
ओके, तो वही करना है आपने। तो देखो बेटा, अगर हम टोटल देखें, यस टोटल वेट देखते हैं अगर हम, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 38.4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। ओके, अब 525 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम सीधे इसको 4 से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4×36, 4×6=24, 960। ओके, अब उसके बाद में देखिए, ये हो गया आपके पास में टोटल वेट। टोटल वेट किसका आ गया, पूरी क्लास का, 25 स्टूडेंट्स का। अब साथ में उसने कहा है कि बॉयज का वेट कितना है, तो बॉयज की एवरेज मेरे पास गिवन है, तो बॉयज का वेट कैसे आएगा, बॉयज की एवरेज, एवरेज ऑफ बॉयज इज 40 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 15, दैट मीन्स दिस इज 600। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, गर्ल्स का वेट चाहिए, तो गर्ल्स का कैसे आ जाएगा, अगर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो क्या आ गया मेरे पास में, गर्ल्स का वेट आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 360, 960 - 600, दिस इज 360। और अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते तो एवरेज कैसे करोगे, 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स अब आप यहाँ पे देखो कितनी है, 10 है आपके पास में, दैट मीन्स के डिवाइडेड बाई 10 इट विल बी 36, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 36। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर है सभी को, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज मेजर्ड फ्रॉम 23 इज 70, कितना है आपके पास में, 70 है, देन मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वुड बी, मीन आपको फाइंड आउट करना है। अब चाहे आप मीन कह लीजिए, चाहे आप एवरेज कह लीजिए, अर्थमेटिक मीन कह लीजिए, बेटा मीनिंग एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मीन कितना है, 70 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में सम गिवन है, सम गिवन है, मीन आपको फाइंड आउट करना है, तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम मीन्स टोटल, टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितना आपके पास, 70 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस, दैट मीन्स दिस इज 3.5। ओके, अगर यहाँ पे बेटा ये ना गिवन होता सिंपल, तो हम क्या कहते हैं, भाई आंसर आ गया, बट यहाँ पे अभी हमारे पास में क्या है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम 23 से मेजर कर रहा है, दैट मीन्स फिर कितना होगा, तो फिर आपके पास में कितना हो गया, मीन कहां से ऑब्जर्व हो रहा है, 23 से, 23 के अंदर क्या करेंगे हम, 3.5 को ऐड कर देंगे, दिस इज 3, सो इट विल बी 26.5, सो योर आंसर विल बी 26.5। आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट आर 45, बट आफ्टर चेकिंग देयर आर टू मिस्टेक्स फाउंड, कह रहे दो मिस्टेक्स मिली हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट इफ ए स्टूडेंट गोट 45 मोर मार्क्स एंड अदर स्टूडेंट गोट 15 लेस मार्क्स, क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट की आफ्टर करेक्शन के बाद क्या हुआ, एक जो स्टूडेंट है उसको तो 45 ज्यादा मिल गए और एक जो स्टूडेंट है उसके 15 कम हो गए, दैट मींस कि ओवरऑल यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास में, 30 का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 30 का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस कितने स्टूडेंट्स पे, 30 स्टूडेंट्स पे, दैट मीन्स कि ओवरऑल चेंज कितना होगा, 1 का एवरेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहले एवरेज कितनी थी, 45, नाउ इट विल बी 46, सो योर आंसर विल बी 46। आई होप क्लियर है। देखिए क्या कहा है मैंने, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, बट क्या कह रहा है यहाँ पे, देयर आर टू मिस्टेक्स, दो मिस्टेक्स है, तो मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, जब हमने उसको करेक्ट किया तो करेक्शन में क्या मिला, एक स्टूडेंट को 45 एक्स्ट्रा मिले, दैट मींस कि एडिशन होगी, ठीक है, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसको 15 लेस मिले, दैट मींस कि माइनस हो गया, दैट मींस टोटल एडिशन कितना होना चाहिए बेटा, 30 का, 30 ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स, 30, जब हम एवरेज के अंदर चेंज कर रहे, दैट मीन्स कि इसकी भी एवरेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो एवरेज में कितना चेंज आएगा, एवरेज के अंदर चेंज कितना आएगा, दिस विल बी
30 by 30 प्लस 30 by 30 मीन्स प्लस 1। यहाँ पे मैं साथ में प्लस क्यों मेंशन कर रही हूँ, रीजन बीइंग कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भी अगर यही इसी क्वेश्चन में ये माइनस होता और ये प्लस होता फिर क्या करते हम, देन वी विल टेक माइनस। ओके, तो इसलिए प्लस और माइनस का ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो कितना चेंज है, प्लस 1 का चेंज है। ओरिजिनली कितनी है आपके पास, 45, बट दैट वॉज रॉन्ग। सो करेक्ट कितनी हो जाएगी, करेक्ट एवरेज विल बी 45 प्लस 1, कितना आ जाएगा बेटा 46। सो योर आंसर विल बी 46। डन, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरऑल द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ द टू नंबर्स 45 एंड 55 आर नॉट कंसिडर्ड। कह रहे दो नंबर को कंसिडर ही नहीं करना हमने, ठीक है, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स विल बी, तो जो बचे हुए नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर्स हैं हमारे पास में, 50 नंबर्स है, उनका एवरेज है हमारे पास बेटा कितना 38। दैट मीन्स व्हाट, कि हम ये कह सकते हैं कि जो 50 नंबर्स है उसका टोटल कितना होगा, 50 नंबर्स का टोटल कितना होगा, टोटल क्या होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ एंट्री जो भी आपके पास में ऑब्जर्वेशन गिवन है, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1900। कितना आ गया आपके पास में 1900। डन, अब बेटा ये आ गया आपके पास 1900। अब उसने कहा कि दो एंट्रीज को कंसीडर नहीं करना, कंसीडर नहीं करना एक तरह से हमने उसको रिमूव कर देना। तो रिमूव हमने जो करनी है वो कौन कौन सी एंट्री करनी है, 45 एंड द सेकंड इज 55। दैट मीन्स कि टोटल कितना हमने रिमूव करना है, दिस इज 100। ओके, दैट मीन्स कि जो टोटल है किसका, हाँ जी, फोर एंट्रीज हमारी हमने नेगलेक्ट करी, दैट मीन्स कि रिमेनिंग कितनी बच गई, 50 थी आपके पास, 2 रिमूव कर दी, दैट मीन्स वी हैव ओनली 48। सो टोटल 48 है आपके पास में, ठीक है, टोटल ऑफ 48 नंबर्स कितना आ जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 1800। सो एवरेज, एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज विल बी 1800 डिवाइडेड बाय 48, 1800 डिवाइडेड बाय 48, सिंपल। हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट, कैंसिल आउट कर लीजिए आप इसको, ये अपने पास में वैल्यू बेटा पॉइंट्स में आएगी। पहले 6 से करते हैं, 6 8 48, 6 3 18, ठीक है। अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करते थे, हो जाएगा 4 2 8, ये हो गया आपके पास में 75। सो दिस विल बी 37.5 मीन्स दिस इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल था। देखो दो एंट्रीज उनको रिमूव करना है, अगर इसी तरह से क्वेश्चन में होता कि दो एंट्रीज और ऐड करनी है तो हम उसको ऐड कर देते, अभी हमने रिमूव कर दिया तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एडिशन होता तो हम उसको एडिशन कर देते। ओके, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स, ए क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स के अंदर कितने रन्स है, 60 रन्स है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 62। कह रहा है जो मीन स्कोर है उसको कितना चाहिए, 62 चाहिए, तो बताओ उसको 11th इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस बेटा वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखो पहले आपके पास में 10 इनिंग्स है, 10 इनिंग्स है, 10 इनिंग्स के ऊपर उसके कितने रन्स है, 60 की एवरेज है ना। अब जब 60 की एवरेज, उसको बढ़ाने कितनी है, 62 करनी है, दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट यहाँ पे आपके पास में कितना है, इंक्रीमेंट कितना है बेटा, 2 का। ओके, 2 का हमारे पास में इंक्रीमेंट है, कितनी एंट्रीज के लिए, 10 के लिए। ओके ना, 2 का आपके पास में 10 के लिए, दैट मीन्स कि 20 का इंक्रीमेंट रहेगा ओवरऑल। तो कितना आ गया, 62 प्लस, दैट मीन्स कि 82, योर आंसर विल बी 82।
ऐसे तो हो गया डायरेक्टली, देखो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर हम वैसे देखते हैं तो आप देखिए, ये तो हो गया बेटा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब बाय कैलकुलेशन अगर हम देखें बेसिक मेथड से, तो क्या कहता है, द क्रिकेटर हैज मीन स्कोर 60 रन्स इन 10 इनिंग्स। दैट मींस कि 10 इनिंग्स के लिए, 10 इनिंग्स का टोटल कितना हो जाएगा, 60 × 10 दैट मींस 600। ओके, अब एक इनिंग और होगी तभी 11th के अंदर ही उसको एक्स्ट्रा रन बनाने ना, और वो क्या कह रहा है 11th इनिंग का टोटल के लिए कितना चाहिए, 62 का मीन चाहिए। दैट मींस कि इसको 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 2, 8 and 6। दैट मींस कि 11th इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, 682 - 600 दैट मींस 82। सो योर आंसर विल बी 82। तो जैसे आप लोगों को बेटर लगता है वो करिए, बट रॉन्ग नहीं करना। जैसे आप लोगों को लगता है ना कि हाँ उसके अंदर, जब भी जैसे हमने लास्ट में किया, जस्ट आपको क्या करना पड़ा, इसके अंदर 20 ऐड करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप इसको आंसर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, पहले हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर उनका डिफरेंस निकाला। वैसे तो इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बट जहाँ से आपको लगता है ना कि हाँ मैं करेक्ट कर सकता हूँ या फिर करेक्ट कर सकती हूँ, तो वो वाला मेथड आप चूज करिएगा, ओके। बट दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज 5-10 विजिटर्स ऑन संडे। एक लाइब्रेरी के अंदर कह रहे कि एवरेज 5-10 विजिटर्स आ रहे कब, संडेज को, ओके, एंड 240 ऑन अदर डेज। जो अदर डेज है उस पे कितने आ रहे, 240 आ रहे, ओके। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद संडे। अब बेटा संडे से अगर शुरू हो रहा है एक मंथ, 30 डेज का मंथ होता है, 30 डेज का मंथ है, आफ्टर 7 डेज फिर संडे आएगा, फिर आफ्टर 7 डेज संडे आएगा, दैट मींस कि टोटल कितने संडे होंगे, टोटल संडे कितने होंगे, 5। दैट मींस कि इसके अंदर आपके पास में 5 तो संडे हैं, ओके, प्लस 25 अदर डेज, ओके। अब अगर मैं टोटल विजिटर्स काउंट करूं तो टोटल विजिटर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, हाँ जी बेटा, टोटल विजिटर्स कितने होंगे, संडे 5 है और संडे का एवरेज कितना है, 5 and 10, इसको हमने क्या करना है, 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, 2550। इसी तरह से हमारे पास में जो अदर डेज हैं उसका भी हमने कर देना है, तो अदर डेज कितना है आपके पास में, 240 है, और यहाँ पे हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, 25 के साथ, और यू कैन डिवाइड इट बाई 4, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपके पास टोटल हो गया बेटा 0, 5, 5 and 8, दिस इज द टोटल। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज, और यहाँ पे उसने क्या कहा, पर डे, पर डे का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से एवरेज ही हो गया, तो यहाँ पे विजिटर्स पर डे कितने आ जाएंगे, विजिटर्स पर डे, और यू कैन से एवरेज ऑफ 30 डेज, सो डिवाइड इट बाय 30, कितना आ गया, 285। सो योर आंसर विल बी 285, ओके। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप सभी को क्लियर है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि डाउट आ रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ आ रहा है, हाँ जी मैडम का कुछ समझ में आ रहा है हमें कराया हुआ, तो उस केस के अंदर वीडियो को सभी ने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। जो न्यू यूजर है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, हाँ जी, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करनी है, सो दैट कि जो भी वीडियो न्यू आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे जल्दी से करेंगे सभी, ट्राई करिए, क्या है यहाँ पे, द एवरेज टेम्परेचर फॉर दिल्ली, ऑफ दिल्ली फॉर 4 डेज इन ए पर्टिकुलर मंथ इज 48 डिग्री। 4 डेज हैं
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम सभी का टोटल करना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एवरेज गिवन होती है तो बेटा टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फॉर फोर डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ इज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं कहूँ कि इन सबका प्लस करते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा, 48 इंटू 4 192 आ गया बेटा। ओके कितना आ गया आपके पास में, 192। दूसरा क्या है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डे इज 34 डिग्री। अगर मैं कहूँ सेकेंड और थर्ड डे का कितना कह रहा है, 34 डिग्री, टू डेज है बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 68। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट प्लस फोर्थ डे का टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं, 12 से 8 गया आपके पास बचा 4, 8 से 6 गया बेटा 2, कितना आ गया, दिस इज 124, दिस इज 124। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि भी फोर्थ डे यहाँ पे आपके पास में है, फर्स्ट का और फोर्थ का। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है, कह रहा है द रेशियो फॉर द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डे इज 9:11, देन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डे, फर्स्ट और फर्स्ट फोर्थ डे का टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो देखिए बेटा टोटल अपने पास में है 120, रेशियो भी हमारे पास में है कितनी, 9:11। तो फर्स्ट का कितना आएगा, अगर हम फर्स्ट डे का देखें कितना आएगा, 9/20 इंटू, यहाँ पे अपने पास में एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 120 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 124, कितना आ जाएगा, और दुनिया 18 9 54 55, पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 बच गया, हमारे एक ही जीरो अभी गई है, तो कितना आ गया आपके पास में ये। सेकेंड डे का अगर हम देखें तो सेकेंड डे का कितना आ जाएगा, दिस विल बी 11/20 124, अगेन 62, कितना आ गया, दिस विल बी 2, 8 and 6। ओके तो यहाँ पे बेटा अपने पास में आंसर देखिए, ऑप्शन चेक करो, 55.8 एंड द सेकेंड इज 68.2, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन डी, फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, एक कार ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। हाँ जी ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, वैसे तो ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। एक बार पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, क्या कह रहे थे, कार ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ए है टाउन और बी है, तो जब ये जा रही है तो उस टाइम पे क्या स्पीड है, 24 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, दैट मीन्स कि जब वो वापस आ रही है, आप ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस ही उसने कवर करना है, ए से बी जाए या फिर बी से ए आए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ओके एंड द स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी अपने पास में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, वेयर द डिस्टेंस इज सेम एंड द स्पीड वेरीज, इन दैट केस एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज ऑफ स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, द फॉर्मूला इज 2 speed 1 into speed 2 डिवाइडेड बाई speed 1 plus speed 2, दिस इज एवरेज स्पीड। ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो एवरेज स्पीड आपके पास में कितनी आएगी, 2 into first is 24, sorry, this is 42 है बेटा, ठीक है, सेकेंड इज 48, और जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा आपके पास में, 42 plus 48 90। ओके तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ गया बेटा 3 से, ये आ गया, फिर 3 से कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते, 10 मैंने क्यों रखा, इसको कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे,
डायरेक्टली ऐसा करना है कि अगर हम कह रहे हैं कैंसिल आउट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ओके वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और एक डेसिमल लगा दो सिंपल सा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ओके बेटा 14 × 28 को अगर 16 से करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ यस ये आ गई, यही बन रहा है। देखिए अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, पॉइंट आ गया। एंड किस में आएगा ये, दिस इज किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। अब देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑप्शन में तो है नहीं, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है, डन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, क्या है, इन द आफ्टरनून ए स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट ए रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 पेजेस के लिए क्या रेट है, किस रेट से रीड कर रहा हो, 60 पेजेस पर आवर, डन। दूसरा क्या कह रहा है कि इन द इवनिंग व्हेन शी वाज टायर्ड सी रीड 100 मोर पेजेस, दैट मींस कि 100 और पेजेस उसने रीड किए यहाँ पे, At a rate of 40 pages per hour. 40 pages per hour. Now, what was her average rate of reading in the page per hour? तो बेटा देखिए, अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि डायरेक्ट देखो अगर क्वेश्चन मेरे पास में ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने बहुत कर रखे हैं, अगर किसी ने देखा भी होगा तो। या होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखो तो बिल्कुल ऐसा सा ही क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे क्या था आपके पास में, डिस्टेंस स्पीड, ठीक है, जो यूनिट थी वो यूनिट वहाँ पे यूज हो रही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज रीड करने हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर आपको कम करना है, और किस रेट से, पहले के लिए रेट गिवन है, दूसरे के लिए रेट गिवन है, एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि वहाँ पे डिस्टेंस सेम था, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस सेम है, सो यू कैन अप्लाई द सेम मेथड। तो एवरेज यहाँ पे बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास में, एवरेज विल बी 2s1 × s2 / s1 + s2, कितना आ जाएगा, 2 × 60 × 40 / 100, दैट मीन्स 48 पेजेस पर आर। सो योर आंसर विल बी 48 पेजेस पर आर, ओके। हाँ जी किसी को कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए आप लोगों को समझ आए होंगे, अगर कोई डाउट है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। फ्री ट्रायल एक बार सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर कोई क्यूरी है इन दैट केस नंबर भी अवेलेबल है बेटा, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, यू कैन व्हाट्सअप और यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर, ओके। So it was all for today. Thank you.